तो एक विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन, व्हाई द वेस्टर्न वर्ल्ड, एक्चुअली द वेस्टर्न्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज अस बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट. इसलिए मैं कहता हूँ कि वी आर स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल में फिक्स हो जाते हैं, तो उस मोर इंटेलिजेंट. राउंड पेग और राउंड होल में जाए तो बड़ा आसान है, परंतु स्क्वायर पेग को राउंड होल में डाल दो उसका मतलब बड़ा स्मार्ट आदमी होगा, जो कि अपना अपना फील्ड होते हुए भी नहीं उस फील्ड में सक्सेसफुल हो रहा है. दैट मीन्स ही इज इनक्रेडिबल. बिकॉज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड नो पेरेंट टेल्स अ चाइल्ड टू डू वॉट. बिल गेट्स नेवर डिड हिज एजुकेशन, छोड़ दी बीच में, नहीं यार मैं दिमाग पे इसमें चलता फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा. आइंस्टाइन हैड मैटर प्रॉब्लम्स, स्टडिंग प्रॉब्लम्स, बट दे पिक्ड अप फील्ड्स वेयर दे वर नेचुरली इंक्लाइंड. दे डिडंट पिक इट अप फॉर मनी. मनी इज द मीन. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. दे सेड आई एम हैप्पी इन डूइंग दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाई दे वर मोर सक्सेसफुल, बिकॉज राउंड पेग इन टू अ राउंड होल इज ईजी टू गो. यू मे बी लेस इंटेलिजेंस ऑल्सो, यू विल सक्सीड. बट इंडियंस को इसलिए कहता हूँ, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू बिकम, यू एक्ट लाइक फूल्स, बिकॉज स्क्वायर पेग इन टू अ राउंड होल क्या होने वाला है, प्रॉब्लम ही आने वाली है. सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक नेचर, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस, दैट वॉट एक्चुअली आर बेसिक नेचर इज. बिकॉज आज तक आप बच्चों को, अपने बच्चों के साथ भी क्या करते हो, अपनी लाइफ के साथ, बच्चों को छोड़ो अपनी लाइफ के साथ क्या करते हो, दिस हैज गॉट गुड प्रॉस्पेक्ट्स. वॉट डू यू सी दिस गॉट? बट योर फुल लाइफ यू क्रिब बिकॉज यू इन द रॉन्ग प्लेस. आई न्यू अ पर्सन इन बॉम्बे, अ लॉयर. उनके ऑफिस में हम घुसे, मैं और माई वाइफ. वी वेंट इन टू दैट ऑफिसर्स ऑफ हिज ऑफिस, लॉयर्स ऑफिस. सो ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, सो हम देखने लगे. जैसे देखा तो उसका नाम लिखा था नीचे पेंटिंग के ऊपर. शी आस्क्ड हिम, अरे दिस इज, यू हैव पेंटेड दिस? यस. यू आर ग्रेट, दिस इज एक्सलेंट पेंटिंग. ये क्या कर रहे हो? मतलब काला कोट पहन के क्या कर रहे हो? बोला इससे कोई पैसा थोड़ी कमाया जाएगा. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लॉयर्स बिकॉज ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन लॉ, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मनी. ही वॉज एनी कुड गेट यू एनी केस थ्रू. मोस्ट करप्ट बिकॉज एक्चुअली हिज इंटरेस्ट वॉज देयर. इफ यू हैड डन दिस, ही वुड हैव बीन रिमेंड ऑनेस्ट. एंड वो मैं बताऊंगा आपको, आई विल टेक दैट फॉर हाफ एन आवर. आई विल टेक दैट दैट इज एनीथिंग कॉल्ड फेट, डेस्टिनी. बिकॉज आई टेल यू, मेरी जाते रहे, एचआर से झगड़ा होता था, मारुति सुजुकी में हुआ, काफ़ी जगह भी होता है. मैंने कहा तुम यार, मैं पानी डाल के जाता हूँ, तुम पेट्रोल डाल के जाते हो. आई टॉक टू द ओनर ऑल्सो. मैंने कहा दिस, आई हर्ड डायरेक्टर एचआर मारुति सुजुकी, आई टोल्ड हिम तू अपना चेयरमैन को बुला. मैंने कहा ही इज द वन हु परकुलेट्स द टेंशन डाउन टू द पीएन, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड. मैन, लेट मी टॉक टू हिम. व्हाट इज द यूज गिविंग लेक्चर टू दीज पीपल? ठीक है, वो कुछ सुधार लेंगे अपने को, तू तो पूरा पूरा नीचे तक वो करता है. सो कारण क्या है? सो कारण यही है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड डेस्टिनी हाउ इट प्लेस, आपकी 90% टेंशन एक सेकंड में साफ हो जाएगी. हाउ मच टाइम? गो लाइक दिस, देर इज समथिंग डेस्टिनी. इतना बताता हूँ, छोड़ूंगा यहाँ, कि डेस्टिनी इज नॉट समथिंग गिवन बाई समवन एल्स, इट इज समथिंग क्रिएटेड बाई योर ओन सेल्फ, बट इट्स डन समथिंग डन इन द पास्ट, इट इज समथिंग डन बाई अस इन द. बोलते ना बचपन में सर में दर्द होना शुरू हो गया 40 के एज में, बहुत बुरी तरह दर्द होता है. तो पता लगा, फादर ने बताया, अरे बेटा तू जब 7 साल का था तो छत पे से गिरा था. जरा चेक करा तो डॉक्टर ने देखा, हाँ इसके दरार ये तो बहुत पुरानी है. उस टाइम कराया नहीं, क्योंकि ठीक चलने लगा था, भागने लगा था, तो ध्यान नहीं दिया. परंतु तो करा किसने था? करने वाले तो हम ही थे ना जी, गिरे कौन थे? बदमाशी कर रहा था तो कूद पड़ा ऊपर से. So I'll be talking of that. All these things actually, don't understand this, you cannot. So spirituality also helps you to understand that what is this and what is this. How to go about it? How to understand? Today we don't use our intelligence. Actually, we are forced to
डू थिंग्स. होर्डिंग्स टेल अस हे बाय मी. नहीं, गाड़ी की होर्डिंग लगी है, क्या कह रही है गाड़ी, मुझे खरीद. हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है. फैक्ट है, गलत है. यू डिसाइड और द होर्डिंग डिसाइड्स. द मार्केटिंग पर्सन इज डिसाइडिंग ऑन द बोर्ड दैट हाउ टू गेट दिस पर्सन बिकम माई स्लेव. दैट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ द मार्केटिंग, दैट हाउ टू मेक द कस्टमर डू वॉट आई वॉन्ट टू मेक हिज इंटेलिजेंस गो डल. His thinking should finish. His intelligence should finish. But in spirituality, what happens? We take control of ourselves. Others don't lead us. We lead our own life. You talk of independence. But you are not independent. You are dependent. You are dependent. You are not independent. The study of life actually helps you to become independent. So Bhagavad Gita is actually making, is a knowledge which is actually talking of how to make you independent. Now it, people ask me the simple question that how can this help us to relieve stress and tension. पहली चीज आपको शुरू कर दूं, दो वर्ड्स जो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, स्ट्रेस इज डिफरेंट, टेंशन इज डिफरेंट. स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड. स्ट्रेस इज गुड एंड टेंशन इज बैड. Most of us are not actually on this platform. Most of us are on this platform. How to revert back to this platform? That is very, very, very important. This will not bring any bad to you. But this will, this, what happens to this? Iska bata dun aapko, this converts to tension converts to depression and depression converts to suicide. Now the question comes, how does Bhagavad Gita apply in this? Yes, it started with stress, turned to tension, depression and suicide. In the first chapter, Arjuna tells Krishna that he heard the stress of war. He said, bring my chariot between the two armies. I want to see the other side and my side both, so that I can gauge the strengths. Very important. When you go into any confrontation, you should know the other side also, that how strong they are and how, what are your strengths and weaknesses, what are their strengths and weaknesses. Not only weaknesses, mind it. With that intention, so stress was there. Ladne ke liye janna hai sab, to stress to hoti hai, that was stress. Then what happened? When he saw his relatives, though they were his enemies, they were acting against him, but he was a good person. At heart, he was a good person. He says, "Arre, inko maar dunga. If I kill them, with whom will I enjoy? I'll be called a killer of my own people." Now he started thinking of the future. Now he's turning from stress to tension. Now he's going negative. I'll keep on dealing with this. I'm giving to you in a short summary. Then what happens? Then this tension grows. Oh ho! Then he talks of lot of activities that this will go wrong. This men will be finished. Women will be unguarded. They'll be exploited. We'll have unwanted children all over the world, and they are the worst. Whole society will be destroyed. Oh, I'll become the cause. I can't do anything. I will not fight.
In depression, what happens? A person is able to do his work or not? No. Comes on to depression. And then he says, if they are ready to kill me, I am ready to die without fighting. And this is suicidal tendencies. We are mostly ones who are, most of you are of young age, but mujhe yaad hai ke 35-40 years back we never heard of the word suicide within our class fellows. Fail bhi ho gaya, kaun bolte the seedha kumbh ka mela thodi hai 12 saal baad aayega. Koi tension नहीं लेना भाई. पेरेंट्स भी कह रहे थे मजा आएगा यार, क्या चिंता कर रहा.